हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज के क्लास में आप सबका बहुत स्वागत है। तो हम एक स्मॉल बुक कर रहे हैं, 26 क्वालिटीज ऑफ वैष्णवा, रिटन बाय सत्य स्वरूप दास गोस्वामी। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर बुक लिखी है श्री प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से कि वैष्णवास का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उनकी डीलिंग कैसे होनी चाहिए। तो ये हम चर्चा कर, आज हम देखेंगे कि श्री प्रभुपाद सिंपल वे में डिवोटीज को क्या कहते हैं। तो अ डिवोटी इज अ जेंटलमैन, तो प्रीचिंग इन बिहेवियर में अ डिवोटी इज अ जेंटलमैन। तो क्वेश्चन होता है कि हु इज जेंटलमैन। तो श्री प्रभुपाद जो है वो कहते हैं कि जेंटलमैन कौन है। आइए देखते हैं प्रभुपाद के हिसाब से जेंटलमैन की डेफिनेशन क्या है। यस, कैन एनीबॉडी रीड? When the TV interviewer asks Srila Prabhupada by what behavior one can recognize a true follower of a Krishna consciousness, he replied, he would be a perfect gentleman, that's all. Gentleman does not mean a man of wealth and aristocracy, but a devotee's high standard of honorable and considerate behavior. The polite and the humble behavior of a devotee can be even appreciated by a non-devotee. हाँ, श्री प्रभुपाद एक इंटरव्यू में, टीवी इंटरव्यू में से पूछा गया कि डिवोटी का मतलब क्या होता है। तो श्री प्रभुपाद बोलते हैं कि डिवोटी का मतलब होता है एक परफेक्ट जेंटलमैन, है ना। तो परफेक्ट जेंटलमैन का मतलब क्या होता है कि उनके जो बिहेवियर होती है उसमें क्वालिटीज होनी चाहिए, गुण होना चाहिए। गुण का अगर है तब वो व्यक्ति जो है जेंटलमैन। तो श्रीमद् भागवतम में भी हम देखते हैं कि नारद मुनि ने 1529 में बताया है कि उन्होंने अपना, जब नारद मुनि अपने जीवन का परिचय बताते हैं कि कैसे वो दासी पुत्र थे, फिर वो कैसे भगवान के भक्त बने। तो उन्होंने देखा कि, तो उन्होंने खुद कहा, है ना, जब वो अपना इंट्रोडक्ट बता रहे थे, अपने जीवन परिचय बता रहे थे, तो उन्होंने बताया था कि जो वैष्णवस थे हम लोग क्या करते थे, हम उनकी मर्सी से हम भक्त बने, है ना। और वो वैष्णवस जो थे हम उनकी सेवा करते थे। जब मैं निस्वार्थ भाव से बालक था और मेरी माता और मैं दोनों उनकी सेवा करते थे, तो क्या हो गया, हमारे जितने भी अपराध थे, सिन थे, वो सब जो है उनकी सेवा करने से खत्म हो गया और हमारा हृदय शुद्ध हो गया और हम भगवान की भक्ति के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गए। तो ये इंसिडेंट से पता चलता है कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है वो कितना इम्पोर्टेंट है और कृष्णा कॉन्शियसनेस में जेंटलमैन होना कितना इम्पोर्टेंट है। हम सब जानते हैं जेंटलमैन होता है, गुड बिहेवियर होता है उसके अंदर, वो जैसा अंदर होता है वैसे ही बाहर वो रिप्रेजेंट करता है। तो श्री प्रभुपाद कहते हैं कि वन शुड नॉट बी मिसलीड बाय द सुडो डिवोटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम कृष्ण कॉन्शियसनेस को इतना इलैबोरेट होता हुआ देख रहे हैं, फैल गया है, पूरे विश्व में फैल गया है, बहुत से मंदिर हैं, बहुत से डिवोटी हैं, सब प्रीच कर रहे हैं, है ना। लेकिन हमें थोड़ा ये देखना होगा कि हम जो है सुडो भक्तों से थोड़ा सावधान। सुडो भक्त कौन होते हैं, जो बाह्य वेश तो धारण करते हैं डिवोटी का, लेकिन अंदर से उनका हृदय जो है वो छल और कपट से भरा होता है, ठीक है ना। तो ऐसे भक्तों का उदाहरण अपने जीवन में नहीं लेना चाहिए। हमें हमेशा देखना चाहिए कि हम एक अच्छे और जेंटलमैन व्यक्ति जो कि अपने आचरण से प्रचार करता है, अपने आचरण में उन चीजों को एक्सेप्ट करता है, सत्य बोलना, है ना, भगवान की भक्ति करना, चार नियम का पालन करना, सुंदर माला का चैंटिंग करना, श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता के जो संदेश है उसको भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रचार करना, श्री प्रभुपाद के मूवमेंट में लोगों को भक्त बनाना, उनको भगवत ज्ञान देना, इसका उद्देश्य से आगे बढ़ना, ऐसे कई क्वालिटीज है उनके साथ वो कोशिश कर रहा है अपनी भक्ति आगे बढ़ाने की, साधना बढ़ाने की। तो ऐसे भक्तों का हमें एसोसिएशन करना चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम कभी मंदिर में जाते हैं, कई लोग होते हैं बताते हैं माता जी इस भक्त ने हमारे साथ, भक्त थे लेकिन उन्होंने हमारे साथ ऐसे किए, है ना, और उन्होंने हमारे साथ चीटिंग की, पैसा लिया और उन्होंने ऐसे चीटिंग की, या कोई भी ऐसे इंसिडेंट होते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एज अ पर्सन हमें भी सावधान होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में सदैव श्री प्रभुपाद जो है हमेशा रिपीट करते हैं कृष्णा की बात, भगवान की बात, आचार्यों की बात, प्रभुपाद बार बार रिपीट करते हैं। भगवान ने भगवद गीता में बताया है कि जो प्रिडर्सर होते हैं, मिथ्याचारी होते हैं, है ना, कि उनके अंदर से तो इंद्रिय तृप्ति करते हैं लेकिन बाहर से वो डिवोटीज का बिहेवियर करते हैं, भगवान कहते हैं ऐसे लोगों की कोई गति नहीं, मैं मुझे भी नहीं पसंद है, भगवान कहते हैं।
तो सेम बात को बाकी आचार्यों ने भी रिपीट किया और श्री प्रभुपाद भी रिपीट करते हैं कि हमें जो सुडो डिवोटीज हैं और जो रियल डिवोटी हैं इनमें अंतर पता होना चाहिए। ये अंतर कब पता चलता है? जब हम खुद श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम आदि ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन सा व्यक्ति छलिया है, कपटी है और कौन सा रियल भक्त है। एकदम आराम से पता चलता है। तो यहाँ पे हम आगे इंसिडेंट्स देखते हैं, इसमें चैतन्य महाप्रभु ने भी काफी बात बोली है कि जो जेंटलमैन होता है वो क्या होता है, थोड़ा कूल हेडेड होता है, मतलब किसी को जल्दी क्षमा कर देता है, लेट गो कर देता है किसी चीज को, ज्यादा वो एंगर नहीं शो करता हर बात पे, कूल हेडेड होता है। और उसका बिहेवियर कैसा होता है? सदैव पोलाइट होता है। लोग प्रोवोकिंग सिचुएशन क्रिएट करते हैं, है ना, जैसे कभी कभी भगवान के बारे में कोई चर्चा चल रही है तो वहां पे वो फिर बीच में कुछ पॉइंट रेज करते हैं कि भगवान ऐसे थे, भगवान ने ऐसे क्यों किया, बलि को भगवान ने ऐसे छिपके क्यों मारा, है ना, वो भगवान थे तो मतलब अपनी पत्नी को भी नहीं रक्षा कर सके, लाइक ऐसे ऐसे बहुत से। कृष्ण थे, कृष्ण भगवान कैसे हो सकते हैं, वो तो इतनी स्त्रियों के साथ संबंध करते थे। तो ऐसे कई पॉइंट्स जो है वो प्रोवोक करते हैं और जिससे कि क्लास भी डिस्टर्ब होती है, सिद्धांत भी उनको नहीं पता होता है और वो बातें करते। लेकिन जो प्रवक्ता है, जो प्रीचर है, जो उस समय लीड कर रहे हैं, जो डिवोटी है, जो सर्वेंट लीडर है, वो उनको बहुत पोलाइटली हैंडल करते, है ना, जनरली एंगर नहीं करते, उनको पोलाइटली हैंडल करते। ये सब जो है वो जेंटल बिहेवियर में चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। इवन वेन ही इंगेज इन डिबेट ही इज ऑलवेज पोलाइट। जैसे कोई मान लीजिए आपस में चर्चा चल रही है, कोई बातचीत चल रही है और तर्क वितर्क हो रहा है, मान लीजिए चैतन्य चरितामृत के किसी सिद्धांत को प्रतिपादित कर रहा है डिवोटी और दूसरा व्यक्ति उसके क्रिटिसाइज कर रहा है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो ये डिबेट कहलाता है ना, दो अलग अलग मत विरोधी मतों को चर्चा करना। उस समय भी वो ये ध्यान रखता है कि कहीं अगले की भावना एजिटेट ना हो, हम सत्य को ठीक से प्रतिपादित करें। सत्य बोलना चाहिए लेकिन सत्य शिवम और कल्याणकारी होना चाहिए। इसीलिए आप अगर अगर जनरल टेंस में देखें, जैसे भगवदगीता में भी बोला है कि अनुद्वेग कर्म व्याप्य, सत्य बोलना चाहिए लेकिन इससे किसी को अनु मतलब उद्वेग नहीं होना चाहिए, किसी को विचलित नहीं करना चाहिए। हमको सत्य ऐसे बोलना चाहिए कि वो अपने जीवन में करने लगे, अपने जीवन में उसको एक्सेप्ट करे। तो इसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए, है ना, इसके लिए हमें थोड़ा एक्सपर्ट होना होगा। हम जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, फिर कहते हैं हम तो सच बोल रहे थे, हमने तो सच ही कहा था कि हमें शाकाहारी खाना चाहिए, है ना, फर्स्ट डिबेट में ही शुरू हो जाते हैं। कोई फर्स्ट टाइम आए हैं और हमने टॉपिक क्या लिया है, शाकाहारी और मांसाहारी। भाई अभी वो व्यक्ति नया नया आए हैं, उनकी कॉन्शियस सेट ऑफ माइंड अलग है, उनको फर्स्ट डे में हम कैसे समझा, नहीं फिर देखे लिखा हुआ है पत्रम पुष्पम फलम दोयम, और उसको अच्छे से फिर दूसरे दिन वो आएगा नहीं, या हम कोई देख कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, ये फर्स्ट डिबेट में ही हम उसको उसको एस्टेब्लिश करें, नहीं ऐसा नहीं। श्री प्रभुपाद के लीलामृत में भी आपने देखा, श्री प्रभुपाद आते थे तो क्या करते थे, कीर्तन करते थे, लोग नाचते थे, गाते थे, है ना, हल्की फिलॉसफी शेयर करते थे और फिर श्री प्रभुपाद जो है सुंदर प्रसाद जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। इसको इसके द्वारा उनके हृदय का मार्जन हुआ, है ना। उन्होंने कहा कि जो कृष्ण कॉन्शियसनेस जो एक्टिविटी है, चैंटिंग करना, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में प्रचार करना, सेवा करना, इससे हृदय पवित्र होता है। तो श्री प्रभुपाद जो उनको इंस्ट्रक्शन देते थे, जो हिप्पीज को, उनको जब वो फॉलो करते थे तो वो फॉलो करने में उनका हृदय मार्जन होता था। फिर जब वो श्री प्रभुपाद से मिलते थे, क्योंकि श्री प्रभुपाद उन लोगों को बहुत अट्रैक्शन रहता था, तो जब वो श्री प्रभुपाद से मिलते थे तो अब उनका हृदय शुद्ध है, अब वो भगवत भक्ति करने के लिए जो है अग्रसर हो जाते। इसलिए यहाँ पे श्री प्रभुपाद भी क्लेम कर रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु भी कह रहे हैं कि जो भक्त है उसको क्या होना चाहिए, उसको कूल हेडेड पोलाइट बिहेवियर, डिबेट में भी उसको जब एंगेज होना चाहिए तो पोलाइट होना चाहिए। और श्री प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि वन हु ओकेजनली डिमॉन्स्ट्रेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमिलिटी एंड टॉलरेंस बाय सिटिंग साइलेंस फॉर 7 days, जैसे कि सार्वभौम भट्टाचार्य जो थे, जब उन्होंने लेक्चर दिया वेदांत सूत्र पे, तो ओनली वन द भट्टाचार्य इंक्वायर ऑफ हिज साइलेंस डिड लॉर्ड बिगेन हिज अपोजिट टू द मायावादी इंटरप्रेट ऑफ वेदांता। कि जब चैतन्य चरितामृत में इंसिडेंट है कि सार्वभौम भट्टाचार्य जो थे वो बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत बड़े विद्वान थे,
तो उन्होंने जब चैतन्य महाप्रभु को देखा तो देखा कि अरे ये तो नाचता है, गाता है, भगवान के नाम का चैंटिंग करता है, इसको तो वेदांत सूत्र पढ़ना चाहिए, श्लोकाज आने चाहिए, इसका भक्त का मतलब तो ये होता है। ये क्या सेंटिमेंट की तरह उछलता है, नाचता है, गाता है, जमीन पे लूटता है, ये भक्ति नहीं होती। उन्होंने सोचा कि चलो मैं इसको थोड़ा ज्ञान देता हूँ, तो उन्होंने उनको इनवाइट किया था। और दो चैतन्य महाप्रभु भगवान है, और 7 दिनों तक वेदांत सूत्र पर जो भाष्य बोल रहे थे वो उनको सुन रहे थे। कौन? भगवान सुन रहे थे, और वो जो है वो 7 दिन तक सार्वभौम भट्टाचार्य वो सुन रहे थे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कुछ भी देश देश नहीं कहा, ठीक है ना। भगवान जान रहे थे कि उन्होंने जो बातें कही हैं सब मायावादी विचारधारा प्रकट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उनको रोका नहीं, वो सुनते थे, हम्बल रहते थे और बैठ के उनकी बातें सुनते थे। सार्वभौम भट्टाचार्य विद्वान थे, उन्होंने देखा कि कितने ये हम्बल हैं चैतन्य महाप्रभु। एक एक मिनट में हमारी बातों को काट सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और जब डिबेट चल रहा था तो उनको जब बुलाया गया था चैतन्य महाप्रभु को, तो चैतन्य महाप्रभु जहाँ जूते रहते हैं वहीं पे बैठ गए चुपचाप। तो सार्वभौम भट्टाचार्य, उनका ऑरा ऐसा था चैतन्य महाप्रभु का, बहुत सुंदर दिखते थे, बहुत तेजस्वी थे। तो उनको जब देखा तो उन्होंने कहा कि अरे, प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा कि अरे आप यहाँ पे क्या बैठे हुए हैं, आप प्लीज आइए, अंदर आइए। तो ये सब जो बिहेवियर है चैतन्य चरितामृत में, हम देख सकते हैं कि डिवोटी हालांकि सारा नॉलेज रखता है लेकिन वो हम्बल रहे। अभी हमने उसमें भी देखा कि जो डिवोटी जितना ज्यादा प्रगत होता है उतना ही ज्यादा ये देखता है कि कैसे वो कितना तुच्छ व्यक्ति है और बाकी सब कितनी अच्छी भक्ति कर रही। लेकिन जो भक्ति में नया नया होता है वो होता है कि मैं तो सबसे बड़ा स्कॉलर हूँ, मुझे सब कुछ आता है और ये लोग तो कुछ भी नहीं करते, है ना। तो ये अंतर धीरे धीरे शुरू हो जाता है। हम लोग भी देखते हैं, जब हम लोग भी भक्ति शुरू किए थे तो लगता था ओहो हमसे बड़ा तो कोई स्कॉलर ही नहीं, लेकिन जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़े हम देखते हैं कि हम लोग कितने तुच्छ हैं। एक्चुअल में हम लोगों को कुछ नहीं आता और हमें कितनी अपॉर्चुनिटी प्रभुपाद की कृपा से मिल रही। तो जैसे जैसे हमें ज्ञान मिलता है तो हमें अपनी तुच्छता का एहसास होता है। कब होता है? जब हम भगवान के समक्ष आते हैं। हम जब माया के समक्ष में रहते हैं तो हम माया से श्रेष्ठ हैं, इसलिए हमें उस प्रभुत्व जताने का मन करता है ना। तो हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं। ये जब हम भगवान के साथ रहते हैं तो भगवान बहुत महान है, उनके सामने हमेशा हमें अपनी तुच्छता का एहसास होता है। तो हमें जब भगवान के शेल्टर में रहते हैं, भक्तों के शेल्टर में रहते हैं, तो हमें अपनी पोजीशन सही मायने में पता चलती है। तो हमने देखा कि किस तरह से सार्वभौम भट्टाचार्य ने भी रिकॉग्नाइज किया कि इतने विद्वान लगते हैं लेकिन इन्होंने एक शब्द भी बोला नहीं, बहुत अट्रैक्ट हुए थे और फिर सब डिवोटी बने, चाहे सार्वभौम भट्टाचार्य थे, चाहे प्रकाशानंद सरस्वती थे। इन्होंने केवल चैतन्य महाप्रभु के बिहेवियर को देखकर सरेंडर कर दिया। ऐसे बहुत से लोग थे जो श्री प्रभुपाद के बिहेवियर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहते थे। तो हम लोग भी सोच सकते हैं कि हम लोग को भी ऐसा ही करना चाहिए, हमको भी कोई इनवाइट करेगा डिबेट के लिए तो हम जूते के पास बैठ जाएंगे और लोग हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा नहीं, सबकी ह्यूमिलिटी अलग होती है। एक बार क्या हुआ कि शिल प्रभुपाद जो थे उनके हर एक्शन से भक्त जो है प्रभावित होते थे। शिल प्रभुपाद जब लेक्चर देते थे तो जैसे कुछ फ्रूट्स वगैरह उनको दिया जाता था बीच में लेने के लिए, तो एक बार ऑरेंज दिया गया शिल प्रभुपाद को खाने के लिए। तो ऑरेंज के बीज होते हैं राइट, मुंह में बीज रहता है, आता है बीज में। तो जब श्री प्रभुपाद ऑरेंज खा रहे थे तो बीज फेंकने के लिए उनको जाना पड़ेगा, तो वो वहीं से थूकते थे और वो सीधे जाके डस्टबिन में गिरता था, बगल में डस्टबिन रखा था थोड़े दूर पर, वो जाके गिरता था, ठीक है ना। तो भक्त, एक दो भक्त थे वो बहुत इन्फ्लुएंस है ना, कि देखो कितना सटीक प्रभुपाद थ्रो करते हैं बीज को कि वो सीधे जाके डस्टबिन में गिरता है। तो फिर क्या किया उन्होंने, 1-2 किलो संतरा अपने लिए खरीदा प्रीचिंग करते समय कि हम भी ऐसा करेंगे तो लोग बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। तो उन्होंने जब खाया और उसको थ्रो किया तो एक भी वो डस्टबिन में नहीं जा रहा था, तो लेक्चर तो वो भूल ही गए और साथ में वो हंसी के भी पात्र बन गए। तो कहने का मतलब क्या है कि
प्रभुपाद ने अगर कुछ किया है तो ऐसा ये मतलब नहीं कि हम भी वैसे ही करें। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने शो किया ह्यूमिलिटी, तो जरूरी नहीं कि हम भी वैसे शो करें। तो श्री प्रभुपाद बहुत प्रैक्टिकल थे, इसीलिए जॉर्ज हैरिसन को क्या कहा श्री प्रभुपाद ने कि आप अपने धन का यूज कृष्ण कॉन्शियसनेस में कर सकते हैं। और यहाँ श्री प्रभुपाद सन्यासी थे, वर्ल्डली लोगों से दूर रहना था, क्योंकि कृष्ण कॉन्शियसनेस में कृष्णा बुक छापनी थी, करनी थी, तो धन की आवश्यकता थी, तो उन्होंने उनसे थोड़ा मेलजोल बढ़ा के रखा। लेकिन श्री प्रभुपाद सदैव अलर्ट रहते, समझ रहे? तो ये एक्सपर्ट बार 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 कह रहे हो कि हम सोच सकते हैं कि हम भी ऐसा करें, नहीं, इसके लिए एक्सपर्टीज की जरूरत है। आपको भक्तों के संग में रहना पड़ेगा, जब धीरे धीरे आप परिपक्व हो जाएंगे तब इन सब चीजों का पालन करना चाहिए, अदरवाइज ऐसे पालन नहीं करना चाहिए। ऐसे ही एक बार क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु ने जो था कश्मीरी पंडित को डिबेट में हरा दिया, लेकिन मतलब सब हंस रहे थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उसके ऊपर हंस नहीं रहे, बल्कि उनको ग्रेट रिस्पेक्ट दिया कि आपने कितना सुंदर गंगा माँ पे इतना सुंदर आपने नहीं किया। तो चैतन्य महाप्रभु के बिहेवियर से बहुत प्रभावित हुआ था कश्मीरी पंडित कि हालांकि मैं हार गया हूँ फिर भी इनका बिहेवियर कितना अच्छा है, और मैं अगर किसी को हरा देता था तो अपनी वर्चस्वता, अपना सम्मान, कितना उसके ऊपर अहंकार शो करता था, और मैंने साइन कराता था कि तुम मुझसे हार गए हो, एक साइन करो है ना, लेटर साइन करो। तो ये देख के वो बहुत इम्प्रेस हुआ था, और फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु के भक्त बन गए थे। तो डिवोटी का बिहेवियर जेंटलमैन होना चाहिए, लेकिन हम हर समय जेंटलमैन तो नहीं रह सकते, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। ऐसे एक और इंसिडेंट है चैतन्य महाप्रभु का, कि जेंटलमैन का ये मतलब नहीं कि कोई भी एक्शन हो रहा है तो हम उसका रिएक्ट ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। हर समय जेंटलमैन नहीं बनना चाहिए, जेंटलमैन का मतलब अलग अलग तरीके से। जब काजी जो मुस्लिम जो थे वो अटैक कर रहे थे हिंदुओं पर, तो चैतन्य महाप्रभु ने रिस्पॉन्ड दिया है ना, रिस्पॉन्ड दिया है, यानी जब अत्याचार है या ज्यादा कुछ है, ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठे रहेंगे, कोई एक हमारे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दें, ये फिलोसफी भक्तों की नहीं। भक्त अननेसेसरी क्राइम में नहीं पड़ते, संत स्वरूप महाराज यहाँ पे लिख रहे हैं कि भक्त अननेसेसरी क्राइम में नहीं पड़ते क्योंकि उनकी भक्ति डिस्टर्ब हो जाती, लेकिन इफ नीडेड तो वो रुकते भी नहीं, इफ नीडेड तो वो रुकते भी नहीं। लेकिन वो कार्य कैसे करते हैं, केवल क्राइम करके या वायलेंस करके नहीं करते हैं, वो बात से सिद्धांत एस्टेब्लिश कर, जैसे काजी को बात करके चैतन्य महाप्रभु ने उनके सिद्धांत को काटा, वो एस्टेब्लिश कर रहे थे अपने कुरान से ये चीजें सही है, ये चीजें चैतन्य महाप्रभु ने बताया उन्हीं के कुरान से, उन्हीं के से फिलोसफी से कि ये चीजें सही नहीं, ये चीज ऐसे है, और हायर फिलोसफी बताई। तो दिस इज द वे ऑफ डीलिंग द सिचुएशंस। खाली क्राइम करने से ऐसा नहीं होता, जैसे अभी बीच में बांग्लादेश में बहुत हुआ था ना, हिंदुओं के जला दिया गया था, प्रभुपाद का स्वान जला दिया गया था, प्रभुपाद के विग्रह को भी तोड़ दिया गया था। आप लोग देखिए वैष्णव ने कैसे उस पर रिएक्ट किया, सभी वैष्णव ने कीर्तन किए थे इंडिया में, मार्च निकाला था है ना, और बांग्लादेश की जो उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे रिक्वेस्ट किया गया था, उनको दबाव डाला गया कि आप जाके प्रोटेक्शन करिए। तो चीजें ऐसे करनी चाहिए जिससे कि वहां की सिचुएशन या वहां के लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, और हमें प्रोटेस्ट भी करें, समझ में आया? तो इसके लिए भी अकल की जरूरत होती है, तो हमें अपने सीनियर्स की राय लेनी चाहिए कि हम कैसे जो है वो अत्याचारों का जवाब दें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब जो फिलॉसफी है ये भी किसमें आती है, जेंटलमैन बिहेवियर। हम कोई भी काम किसी सिचुएशन में कैसे करते हैं, और स्पेशली भक्तों का जो परिचय होता है वो वर्स सिचुएशन में होता है, समझ में आ गया? सामान्य परिस्थितियां तो हम बड़े हरे कृष्णा और पोलाइट रहते हैं, लेकिन जब वर्स सिचुएशन आती है उस समय हमें देखना चाहिए कि कैसा रिएक्शन। तो अगर हम फॉर्चुनेट है तो अच्छे वैष्णव को हम एसोसिएशन करते हैं, और हम देखते हैं कि वो वर्स सिचुएशन में भी कैसे रिएक्ट करते हैं, तो उनसे हम सीख जाए, दिस इज अ वे ऑफ लर्निंग। इसीलिए श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो वैष्णवा होता है वो क्या होता है, टॉलरेट होता है, उसका कूल हेडेड होता है, पोलाइट होता है,
लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो फिर वो प्रोटेस्ट भी करता है। क्लियर हुआ ये? ओके, आगे चलते हैं। या फिर श्री प्रभुपाद जो है आदि लीला से एग्जाम्पल दे रहे। यस एनीबॉडी कैन रीड, यस प्रेम मंजरी यू कैन रीड। शीला प्रभुपाद राइट इन सीसी आदि 17.130 पर्पट, इफ वी बिकम वॉयलेंट इन एवरी केस इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू मैनेज आवर अफेयर्स, वी शुड देयरफॉर फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ महाप्रभु हु डिसोबेड द ऑर्डर ऑफ चांद काजी बट सबड्यूड हिम विद रीजन एंड आर्गुमेंट। शीला प्रभुपाद इन चैतन्य चरितामृत आदि 17.144, in pushing on our sankirtan movement of krishna consciousness we might have to face difficult days but we should always follow in the footsteps of shri chaitanya mahaprabhu and do the needful according to the time and circumstance। thank you so much Madhuri ji। to yahan pe hum dekh rahe hain ki shri prabhupad ne dekhe likha hai jo maine abhi discuss kiya niche wale mein dekhe, in pushing on our sankirtan movement of krishna consciousness we might have to face difficult days but we should always follow in the footsteps of Chaitanya Mahaprabhu and do the needful according to the time and circumstances। समय और परिस्थिति के अनुसार हमें चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को याद रखें कि अगर वक्त पड़ता है तो हमें जो है अगेंस्ट भी करना चाहिए, है ना, प्रोटेस्ट भी करना चाहिए, और अगर तर्क से काम चलता है तो वो भी हमें यूज करना है। ये नहीं कि हम एक ही जो मत है हमेशा पोलाइट बने रहे, ऐसा नहीं है, है ना। कोई व्यक्ति अगर आप है, आप पे आक्रमण करने आ रहा है, उसके हाथ में बड़ी बड़ी तलवार है, गन है, तो आप पोलाइट बैठे रहेंगे? नहीं, हमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, अपनी रक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन कहने का मतलब कि डिवोटीज अननेसेसरी वायलेंस नहीं करता। तो श्री प्रभुपाद एक बहुत ही अच्छी इंसिडेंट को इस समझा रहे हैं जो की बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने सबने देखा है श्री प्रभुपाद के लीलामृत में कि जो सुमति मुरारजी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको श्री प्रभुपाद की बुक में जो रखा है इंसिडेंट के साथ बताया जा रहा है ताकि हम और भी अच्छे से समझ सके कि जेंटलमैन मतलब क्या हो। तो मुरारजी देसाई जो थी श्री प्रभुपाद को जो है वो बहुत हेल्प किया था बाहर जाने के लिए। तो वो जो थी वो वल्लभाचार्य की को मानती थी, है ना, लेकिन श्री प्रभुपाद लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु को मानते थे। तो क्या था कि जब लॉर्ड चैतन्य जो थे उन्होंने वल्लभाचार्य को क्रिटिसाइज किया। क्यों क्रिटिसाइज किया था? क्योंकि वो श्रीधर स्वामी जिन्होंने टीका लिखी थी, कमेंट्री लिखी थी श्रीमद् भागवतम पर, वो एक्सीलेंट कमेंट्री थी, लेकिन उन वल्लभाचार्य का कह रहा था कि मेरी कमेंट्री सबसे श्रेष्ठ है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको क्रिटिसाइज किया था कि ऐसा नहीं है, इनकी कमेंट्री, श्रीधर स्वामी की कमेंट्री भी अच्छी है। तो ये जो प्रसंग है ये गॉड बैक टू गॉड हेड में छपा हुआ था। अब मुरारजी देसाई जो कि इतनी ज्यादा लर्न वो नहीं, स्कॉलर नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो केवल उसकी फैन थी, वल्लभाचार्य के को फॉलोवर थी, तो उनको बहुत ऑफेंस फील हो रहा कि इन्होंने वल्लभाचार्य के खिलाफ ऐसे कैसे लिखा। आ समझ रहे हैं? अब श्री प्रभुपाद के लिए बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन थी क्योंकि वो एक अपॉर्चुनिटी प्रदान कर रही थी उनको विदेश में जाने के लिए, और श्री प्रभुपाद उनको हर्ट नहीं करना चाहते। आ समझ रहे, सिचुएशन समझ रहे हैं? बहुत क्रिटिकल सिचुएशन। तो श्री प्रभुपाद ने जो कहा है यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा लिखा है कि लॉर्ड चैतन्य एंड वल्लभाचार्य वर फ्रेंड्स एंड देयर आर्गुमेंट कुड बी कंपेयर टू द आर्गुमेंट ऑफ टू लॉयर इन द कोर्ट, आफ्टर द डिबेट दे आर अगेन फ्रेंड्स। श्री प्रभुपाद ने उनको एक्सप्लेन किया कि आप ऐसा मत देखिए, बैक टू गॉड हेड मैगजीन जिसने छापी थी वो बहुत ज्यादा जो था वो इंटेलिजेंट नहीं था, तो उसने एज इट इज छाप दिया है। लेकिन कहने का मतलब है कि वल्लभाचार्य क्रिटिसाइज नहीं करते थे, ऐसा नहीं कि उनको बहुत हेट से महाप्रभु उनको देखते थे, बल्कि एक इंसिडेंट हुआ था तो उसमें दो लॉयर जो है अपने अपनी बात को रख रहे थे और चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा कि नहीं आपकी बात गलत है, उनकी आपकी बात सही है। लेकिन एक्चुअल में वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, समझ में आ रहा है? तो उन्होंने उनको ऐसे बताया। तो इसलिए श्री प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि हमारे इस स्क्रिप्चर में लिखा है कि सत्यम ब्रुवेत प्रियम ब्रुवेत, सत्य बोलना चाहिए लेकिन प्रियकर होना चाहिए, अगले को थोड़ा डिस्टर्ब कम हो, एजिटेट ना करे। लेकिन हमेशा जो सत्य होता है एजिटेट करता ही है नेक्स्ट को,
तो ये एक्सपर्टीज होती है कि हम उसको कैसे प्रेजेंट करें। जैसे मैंने अभी बोला कि हम अभी एक दो क्लास शुरू किए हैं, लोग आना शुरू किए, और फर्स्ट टू क्लासेस में ही हमने शुरू कर दिया कि शाकाहारी होना चाहिए कि मांसाहारी होना चाहिए, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, देवी देवता जो है वो बेकार है और कृष्णा जो है वो सुप्रीम है। तो ये फर्स्ट टू क्लासेस में आप थोड़ी एक्सप्लेन करेंगे, जब उनका शुद्धिकरण धीरे धीरे हुआ तब हम इस टॉपिक को ले सकते हैं, शुरू शुरू में हम नहीं बता सकते क्योंकि वो उनका अभी लेवल नहीं है, वो समझ नहीं पाए, जब वो धीरे धीरे करेंगे तो हम समझ सकते। तो उसी तरह से अभी मुरारजी जो है वो बहुत चीजों को नहीं समझ पाएंगे, तो शिल प्रपात ने वहां पे अपोलाइज किया, मतलब वहां पे क्षमा याचना की कि जो छाप रहे थे गॉड टू बैक टू गॉड हेड, वो इन बातों को सेंटिमेंट को समझे बिना इन शब्दों का यूज किया है, और मैं माफी मांगता हूँ कि आपको कोई कहते वेदना हो या कोई आपको दुख हुआ तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप समझ रहे हैं, इंसिडेंट समझ रहे हैं, इंसिडेंट है कि शिल्प्रपात गलत नहीं है, जो चैतन्य महाप्रभु की घटना थी उसको सिंपली गॉड बैक टू गॉड हेड मैगजीन में कवर किया गया है। लेकिन अब सिचुएशन क्या है कि मुरारी जो है ये वल्लभाचार्य को फॉलो करती हैं, अब वो जो है उनको हर्ट हुआ, तो अब शिल प्रपात जो है उनको क्षमा याचना कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि शिल प्रपात उनकी बातों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। शिल प्रपात ने क्या कहा कि ये दोनों लॉयर की तरह आप इनको लीजिए, उन्होंने अपने अपने पॉइंट्स रखे, और चैतन्य महाप्रभु ने केवल उन्होंने इसलिए क्रिटिसाइज किया वल्लभाचार्य को कि जो श्रीधर स्वामी है उनकी टीकाएं बहुत अच्छी थी श्रीमद भागवत। तो दोनों जो है लास्ट में फ्रेंड रहते, तो आर्ग्यूमेंट हो सकता है, मत भिन्नता हो सकती है, तो इसका ये मतलब नहीं कि कोई नफरत है, समझ में आ रहा है। तो ये पॉइंट जब उन्होंने एक्सप्लेन किया था तो मुरारी जो है बहुत संतुष्ट हुई थी, और श्री प्रभुपाद को फिर आप जानते हैं उन्होंने उन्होंने सपोर्ट किया। तो सत्यम ब्रुवे प्रियम ब्रुवे, ये हमने बोला भी, तो हमेशा इन मटेरियल वर्ल्ड ओनली प्लेटेबल ट्रुथ शुड बी स्पोकन, बट श्री प्रभुपाद गाइड फॉर वैष्णव एडिकेट इन डीलिंग विद द डेलिकेट कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट, डिवोटी ऑलवेज हम्बल ऑफर रिस्पेक्ट टू एवरीवन, बट व्हेन एवर इज अ डिस्कशन ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ शास्त्रा दे डू नॉट ऑब्जर्व द यूजुअल एडिकेट्स, सत्यम ब्रुवेत प्रियम ब्रुवेत, दे स्पीक ओनली द सत्यम ऑल्दो इट मे नॉट बी प्रियम। क्लियर हो गया आप लोगों को, सत्य बोलना है, क्योंकि जब भी हम सत्य बोलेंगे अगले को बुरा तो लगेगा ही, तो जब हमको कोई फिलॉसफी पूछ रहा है तो हमें सत्य बताना, वहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, लेकिन बोलते समय थोड़ा सा शुगर कोटिंग कर दें, जैसे श्री प्रभुपाद ने मुरारी को बोला, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी गलत है, उन्होंने जो वल्लभाचार्य को क्रिटिसाइज किया वो गलत है, ये नहीं कहा, उन्होंने बस थोड़ा सा पॉइंट ट्विस्ट किया, उन्होंने ये कहा कि दोनों लॉयर हैं, अपनी अपनी बातें कह रहे थे, डिस्कशन हुआ, तर्क थे, है ना, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु और वल्लभाचार्य दोनों फ्रेंड्स थे, ये बात भी गलत नहीं थी, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने अनट्रुथ नहीं कहा। तो यहाँ पे देखिए अगेन प्रभुपाद राइट टू हिज डिपॉजिट, सत्यम ब्रुवेत प्रियम ब्रुवेत, दिस इज अ सोशल कन्वेक्शन एंड इट इज नॉट एप्लीकेबल टू अ पर्सन हु इज प्रीचिंग द एब्सोल्यूट ट्रुथ, द एब्सोल्यूट ट्रुथ इज नॉट डिपेंड ऑन मेटीरियल प्लेजर और डिसप्लेजर। ये पॉइंट आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्य बोलना ही चाहिए, सत्य प्रिय लगना लगने के लिए ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन सत्य बोलते समय हमें थोड़ा माइंड सेट भी देखना चाहिए कि किसका माइंड सेट क्या है। तो इसीलिए चैतन्य चरितमृत बोला, सिद्धांत बलिया जीव न कर आलस, इहाते कृष्ण लागी सुदृढ़ मानस, जब हम कोई सिद्धांत बता रहे हैं तो उसको सत्य बताना चाहिए, क्योंकि इससे भगवान में शुद्ध भक्ति उसकी स्टैब्लिश होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग। लेकिन ये बोलने वाला भी थोड़ा मैच्योर होना चाहिए और उसको पता होना चाहिए कि किसका माइंडसेट कैसा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी हमें पोलाइट रहना चाहिए। इसको कोई रीड करेगा? श्रीला प्रभुपाद रेफर्स टू द डिवोटी एज अ जेंटलमैन, ही जनरली मींस दैट द डिवोटी अवॉइड्स द एबोमिनेबल डोमिनेट एक्टिविटीज लाइक मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, द
the so-called ladies and gentlemen of the world dress well and speak with culture, yet eat slaughtered animals are actually more like beasts than humans. For Vaishnava's behavior, the all-important etiquette is to staunchly follow the regulative principle and the exemplary behavior of the Mahajan. यहाँ पे देखिए एकदम साफ साफ बता दिया कि जेंटलमैन का मतलब होता है फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल को फॉलो, है ना। अभी हमने बोला ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेंटलमैन, तो जेंटलमैन का मतलब यही है। और लेडीज जेंटलमैन ऑफ द वर्ल्ड ड्रेस वेल एंड स्पीक विद कल्चर येट ईट स्लॉटर एनिमल और एक्चुअली मोर लाइक बीस्ट देन ह्यूमन। और मटेरियल वर्ल्ड में क्या होता है, लोग बोलते हैं बड़ा अच्छा लेकिन अंदर से देखिएगा तो मीट ईटिंग करते रहते, है ना। लेकिन भक्त क्या होते हैं, बोलते भी अच्छा है और अंदर से भी चार नियम का पालन करते हैं। तो दिस इज, ये है कि भक्तों का जो बिहेवियर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्पलरी है हमारे महाजन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शिल्प्रपाद ये लिखते हैं कि जो भक्तों को क्या करना चाहिए, पोलाइट बोलना चाहिए, अच्छा ड्रेसिंग होना चाहिए, है ना, और फिर उनको क्या होना चाहिए, सारे नियम को पालन करना चाहिए, भले ही उनको भौतिकतावादी जो है रिजेक्ट करते। तो एक बार बहुत अच्छा एक इंसिडेंट है कि एक ब्रह्मचारी थे, सिंपल ब्रह्मचारी फ्लोरिडा में, और वो उन्होंने मिस्टर फ्यूगेट से क्लेम किया भक्ति योगा के बारे में, भक्ति योगा के बारे में डिस्कशन चल। तो जो ब्रह्मचारी जब वहां पे विजिट किए तो उन्होंने देखा कि मिस्टर फ्यूगेट जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुए, और उन्होंने शिल प्रपात को लेटर लिखा कि मुझे बहुत अच्छे नहीं लगे जो आपके रिप्रेजेंटेटिव है, है ना, वो तिलक लगाते हैं, बड़ा अजीब सा आउटफिट पहनते हैं, आई डोंट लाइक इट, है ना। तो श्री प्रभुपाद जो है उन्होंने कहा कि एनीवे प्लीज ट्राई टू डील विथ मी सॉफ्टली बिकॉज ही वाज नॉट सम टेंडेंसी फॉर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट बट ही इज मिसगाइडेड और विदाउट एनी नॉलेज इन द लाइफ, है ना। श्री प्रभुपाद उनको लिखते हैं कि ये हमारे वैष्णव एडिकेट्स हैं, ये हैं, उनके बारे में सब बातें बताई, तो उससे वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने अप्रिशिएट किया कि कोई बात नहीं, आप क्योंकि आपको सनातन धर्म के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं था इसलिए आप ऐसे बोल रहे थे, लेकिन इन सबकी मीनिंग ये है और तिलक लगाने का ये मतलब है, तुलसी माला का ये महत्व है, राइट। तो जब श्री प्रभुपाद ने उनको एक्सप्लेन किया तो ही वॉज वेरी मच बहुत ज्यादा उनसे इन्फ्लुएंस हुए, आप समझ रहे हैं। तो कभी कभी अज्ञानता रहती है, कभी कभी कुछ रहता है, तो ये जो एक्सपर्ट जो गुरु होते हैं वो जज कर पाते हैं कि कोई क्यों क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, किसको कैसे हैंडल किया जा सकता है। तो श्री प्रभुपाद ने इस तरह से डीलिंग की और बताया, इसलिए लास्ट में देखते हैं, ऑल थिंग कंसिडर अ डिवोटी शुड ट्राई दिस बेस्ट टू एक्ट एज वैष्णव लेडीज एंड जेंटलमैन एंड बिहेव पोलाइटली एंड डिड लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु जैसा लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ने किया। If in the course of sincerely delivering the absolute, the non-devotee regards us as unimpressive, then that will not disturb us. A devotee has to please his spiritual master and Krishna, and then everything is complete, even if the world find them like it. हो सकता है जब हम प्रचार करने जा रहे हैं या कोई बातें हैं तो जो वर्ल्डली लोग हैं वो ज्यादा हमें पसंद ना करें, अच्छा रिस्पॉन्स ना दे, परिवार के लोग हमें ज्यादा महत्व ना दे, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता श्री प्रभुपाद का, क्योंकि हम ये सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, एक हायर पर्पस के लिए कर रहे हैं, तो हमें इसको करना चाहिए। डोंट फील लो, ऑलवेज फील हाई, ऐसा श्री प्रभुपाद कह रहे। तो वेन श्री प्रभुपाद ने बताया कि जेंटलमैन का मतलब ही ये होता है कि ये चार नियम का पालन करना, न कि हम पोलाइट ऊपर से बोल रहे हैं और अंदर से मीट ईटिंग कर रहे हैं। जनरली आप देखते होंगे आजकल लोग डॉग लवर बहुत ज्यादा है ना, डॉग को बहुत प्रेम करते हैं, तो डॉग के लिए बड़ा केयर होता है ना, कि उसको कहीं आप इसको मिसट्रीट कैसे कर रहे हैं, आप बहुत से लोग लड़ने लगते हैं, इसे कुत्ता मत कहो ना, ऐसे बोलते हैं, या उनको बोलेंगे कि आप डॉग को ऐसे क्यों मना कर रहे हैं, ऐसे ऐसे क्यों हटा रहे हैं, इसको हमें फीड करना चाहिए, इसको हमको ऐसे करना चाहिए। तो वहां एक पॉइंट बोला जाता है कि ठीक है आप डॉग के लिए इतना कंसर्न है, लेकिन आप गोट फिश और मटन और चिकन जो खाते हैं तो फिर वहां पे आपकी सेंसिबिलिटी कहाँ जाती है। तो केवल डॉग के लिए सेंटिमेंट नहीं होता होना चाहिए,
बल्कि सारे एनिमल्स के लिए हमारे पास सेंटिमेंटल होना चाहिए, है ना, सारे एनिमल्स के प्रति हमें अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमको शाकाहारी खाना खाना चाहिए क्योंकि भगवान ने हमें रिकमेंड किया है ना, तो केवल डॉग ही नहीं बाकी एनिमल को भी हमें केयर करना चाहिए। तो इस तरह से जब हम समझाते हैं लोगों को या बताते हैं तो उससे क्या होता है, वो मीट ईटिंग के प्रति थोड़ा सोचते हैं, है ना, तब हम जाके वायलेंस को बंद कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग, जब हम वैष्णवों का अपने सीनियर वैष्णव के संग में हमें रहना चाहिए, उनको सर्व करना चाहिए, तो हम इन सब एडिकेट्स को देख सकते हैं कि वो अपने लाइफ में इन चीजों को कैसे इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, तो आज हमने देखा कि डिवोटी का मतलब होता है जेंटलमैन। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।